कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और पिछले साल के मुकाबले इस बार किसानों को ज्यादा डीएपी दी जा रही है। चंडीगढ़ में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वाले लोग इसकी कमी दिखाकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मैं किसान भाइयों को पहले भी बता चुका हूँ कि एक एक एकड़ के लिए यूरिया, डीएपी, सुपरफास्फेट, सिंगल सुपरफास्फेट, एनपीके हमारे पास उपलब्ध है और रहेगी। किसी भी किसान को, हरियाणा के किसान को खाद की वजह से कोई ये कहे कि मेरा एक एकड़ रह गया वंचित, वो ऐसा नहीं होने देंगे। मैं अपने सारे किसान भाइयों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये जो भ्रम फैलाया गया ये ज़रूर है कि पिछले हफ्ते में 3-4 जगह लाइनें ज़्यादा लगी, और मैं समझता हूँ लाइनें लगाना हमारा मजबूरी थी। हमारे पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में यूरिया की कालाबाजारी है, हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब में ऊंचे रेट पर बिक रहा है, और ये कालाबाजारी करने वाले लोग चाहते थे कि इनको ट्राली भर के हम डीएपी दे दें। कृषि मंत्री ने कहा कि मंडियों में धान खरीद लगातार जारी है और अब तक पिछले साल के मुकाबले धान की अधिक खरीद हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार 44,40,000 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंची है और 43,00,000 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। इनमें से 85% फसल का उठान हो चुका है। 3 तारीख से परचेज शुरू की थी पैडी की, बीच बीच में बारिश आती रही, किसान भाइयों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई, उसके लिए भी हम क्षमा याचना करते हैं। और मैं दिखाना चाहता हूं आंकड़ों के माध्यम से कि इस बार जो पैडी है 2020 में, आज तक जो पैडी की अराइवल हुई थी 44.26 लाख मीट्रिक टन, उस वक्त हमने पहले शुरू की थी, इस बार लेट शुरू की एक हफ्ता, उसके बावजूद हम 44.40 लाख मीट्रिक टन